किलर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से आंखों के ज़रिए हमारे शरीर को निशाना बना रहा है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार आंखों की कोशिकाओं की सतह पर ACE2 नाम के रिसेप्टर पाए जाते हैं जो किसी कोशिका में संक्रमण का गेटवे समझे जाते हैं। खतरनाक बीमारी COVID-19 का वायरस इन्हीं के ज़रिए शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब तक ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि COVID-19 के प्रसार को कम करने में फेस मास्क या क्लॉथ कवरिंग ही सबसे प्रभावशाली तरीका है, लेकिन हाल में हुए एक अध्ययन से पता चला है चश्मा भी हमें कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है। नए शोध के मुताबिक चश्मा हमारी आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि COVID-19 जैसे घातक रोग से संक्रमित होने से बचाने में भी मददगार है। जुलाई के अंत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिस्क्राइब्ड सोर्स के निदेशक डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने एक न्यूज़ के माध्यम से कहा कि अमेरिकियों में कोरोना के प्रसार को कम करना है तो मास्क के साथ गॉगल्स या फेस शील्ड पहनने पर विचार जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि गॉगल्स या चश्मा मास्क की जगह नहीं ले सकता है। पिछले दिनों जामा नेत्र विज्ञान द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि COVID-19 आंखों के माध्यम से भी फैलता है। कोरोना वायरस न सिर्फ आंखों के माध्यम से प्रवेश कर हमें पीड़ित बना रहा है बल्कि एक नए अध्ययन में पता चला है कि उम्र संबंधी आंख के विकार मैक्युलर डिजनरेशन पीड़ितों में कोरोना संक्रमण के गंभीर होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और Instagram पर, लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।